मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीडी चौक पुलिस स्टेशन, उसके बाजू एक रिक्शा स्टैंड है, न्यू जनता ऑटो रिक्शा। मेरे यहाँ पर भाई है, उनसे कुछ मुलाकात मैं करना चाहता हूँ और कुछ सवालात इनसे करना चाहता हूँ और इनकी आपबीती इन्हीं की ज़बानी सुनना चाहता हूँ। भाई साहब, ये जो रिक्शा स्टैंड है, ये कितने साल से है रिक्शा स्टैंड? 50 साल से। हाँ, ये 50 सालों में कभी आपके नज़र में ऐसा वाकया गुजरा कि आपके पास कभी ये रिक्शा स्टैंड बन रहा? नहीं, आज तक तो नहीं आया। एक दिन से ज़्यादा नहीं, कर्फ्यू के हालात छोड़ के उससे हटकर एक ही दिन कभी बन रहा होगा। ऐसे हालात कभी भी नहीं गुजरे हमारे तो 50 साल। अभी ये 2-2.5 महीने से आप सब लोग घर पे थे, अल्लाह का शुक्र है घर पर। तो आपकी लाइफ ये 2 महीने में कैसे गुजरी? अल्लाह ने गुजारा, जैसे भी गुजारा उसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। कॉर्पोरेटर के ना कुछ आया, फंड आया ना, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया। 20 किलो चावल राशन की दुकान पे से मिले बस। नहीं तो फ्री मिले आपको? फ्री मिले बस, एक ही टाइम मिले। एक टाइम मिले, एक ही वक्त मिले। अच्छा, आपके अकाउंट में मेरे ख्याल से ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रकम भी जमा हुई होंगी? 500 रुपये कुछ अकाउंट में, जनधन स्कीम में जो था 500 रुपये। जिसका लेडीज अकाउंट था वो लेडीज अकाउंट में है, जेंट्स अकाउंट में कुछ भी नहीं है। 500 रुपये में कोई गुजारा वगैरह कुछ भी नहीं होता। नहीं तो गवर्नमेंट ने तो आप बहुत फैसिलिटी दी ना आपके। फैसिलिटी नहीं, कभी आधार कार्ड मांगते, कभी पिन कार्ड मांगते, कभी इलेक्शन कार्ड। और ये रक्षे वालों को बेचारों को कुछ चीज रहती नहीं, गवर्नमेंट क्या दी नहीं। एक बार फुकट का राशन दिए, वो भी चावल दिए, उसके साथ कुछ नहीं। और दोबारा राशन की दुकान पे गए तो बोले गवर्नमेंट ने बंद कर दी। बोले भाई एक ही बार दी। बोले मुझे आप एक बात बताइए, आपकी रक्षा यूनियन बहुत बड़े पैमाने पे कुछ मोर्चे वगैरह रहे तो आपको बड़े पैमाने पे यहाँ से लेके जाते हैं, तो इस हालात में आपके पास कुछ ऐसे लीडर्स आए जो ये? अरे हमारे जान पहचान के लीडर और यूनियन के लीडर आज तक पूछे नहीं कि कौन था। रक्षा ड्राइवर मजदूर है, किराए के घर में रहता, उसको खाने को नहीं है, बाल बच्चे ज्यादा है। आज तक कोई लीडर ने नहीं, MP रहो, MLA रहो, कॉर्पोरेटर रहो या हमारे यूनियन का लीडर रहो, कोई हमारे घर तक नहीं आए ना हमारों को मुलाकात करे। मेरे भाई, मेरी एक बात बताइए, आप हजारों की तादाद में कभी कोई मोर्चा रहा बन रहा है तो आप बराबर कलेक्टर ऑफिस में एक आवाज़ पे पहुंचते हैं, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि आपके लीडर ने आपकी मदद नहीं किया? लीडरों को पूछो, आप यूनियन चलाते, बोलना ये यूनियन को कौन सी मदद करे, कौन सा ऐसा बंदा है उसको कोई चीज आपने मदद करे। या तुमको ऐसा लग रहा है कि हम गलत बोले तो लीडर से पूछो, कोई आया था रिक्शा स्टैंड के ऊपर या कोई ड्राइवर की मदद करा कोई लीडर ने हमारे जनता यूनियन के बोलो या कोई भी यूनियन, या उसने कोई ड्राइवर से मिल के पूछा कि तुम्हारे हालात क्या है करके? 70 दिन में पूछ लो आप लीडर से तो मालूम हो जाएगा आपको हकीकत क्या है। नगर सेवक नहीं आया। भाई आपके ताल्लुकात तो जो लीडर रहते हैं ऐसे रहते कि एक फोन पे आप फोन करें तो बराबर आ जाते हैं, फिर इस वक्त कैसे नहीं आए? अब उनके अखलाक वो नहीं आए तो क्या करेंगे? अब हम तो उनके घर पे जाने से रहे, उनका काम था आके पूछने का। अभी जो अपने घर के हालात है जो गुजर गए, पूरे रमजान महीना चले गया, तो किस तरह से गुजारे फिर आपने? अल्लाह का शुक्र अदा करें जो है उसका गुजारे, गुजार लिए खुशी से जो है। आप सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे आपकी जिंदगी गुजारे? यानी आपके कोई लीडर वगैरह किसी ने आपको पीछे से आके पीठ पे हाथ नहीं रखा? खुल के बता दिए कि लीडर के घर पे अगर आपको यकीन नहीं है हमारी बात पे, उसके घर पे जाके पूछो कि कोई स्टैंड पे गया था किसी, चलो हम बोले ये हमारी जबानी है, चलो हम ये 25 जनों को नहीं दे सकता लीडर। ये आदमी सबसे पुराना है, ये आदमी के घर को जा सकता था लीडर, पूछ सकता था कि भाई मेरे भाई आप लोगों ने मेरे को लीडर बनाया, मैं यूनियन से हर चीज़ की फैसिलिटी उठाता, आप लोगों को क्या मदद होना, चाचा मैं आपको दे सकता, बड़े भाई आपको दे सकता, ऐसा कोई लीडर नहीं आया। और बन के बारे में हर गरीबों को कुछ भी अफवाह फैलाते, तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाएंगे, ये ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, हम मजबूरन ये लीडरों के पीछे जाते। अभी सब भाइयों में से अपने बहुत से जो है तो किराए से भी रहते हैं, तो उनकी लाइफ कैसी गुजरी? मिनिमम किराए से रहने वाले हैं, मकान किसी का नहीं, आधों के गाड़े आए सिर्फ आधी, अभी बैंक वाले आए तो हम लीडर के पीछे जाना, के मंत्री के पीछे जाना, के घर के देवारा बेचना, क्या है हमारे घर में बेचने को? बैंक वाले इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, माता रोज खाता, उसके बाद बैलेंस वाले, अभी किरायादार किराया मंग रहा है, किराया नहीं दे सकते, कोई लीडर ने आके पूछा नहीं कि भाई कैसे हल करेंगे तुम?
उसको फुर्सत ही नहीं। मेरे 6 हफ्ते रुक गए, मेरे 6 हफ्ते में कहाँ से देना, किराया भाड़ा है, हम लोगों ने कहाँ से देने पैसे। और अब ये गवर्नमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट का काम है, ये बजाज कंपनी है, इसके लिए उनको फैसिलिटी देना चाहिए। लोन और आगे रियायत करना आगे के लिए रियायत करना चाहिए ना। मैं था सिटी चौक रिक्शा स्टैंड पर और यहाँ पर आप सब दास्तान सुन रहे थे। सभी हमारे जो रिक्शे के भाई है जो गाड़ियाँ चलाते हैं, और आज उन्होंने 2.5 महीने के बाद यहाँ पर अपने अपने रिक्शे लगाए हैं। आपका सब पूरा नाम क्या है? शेख कलीमुद्दीन अब्दुल कलीम। ये आप ऑटो रिक्शा कितने साल से चलाते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ 40 साल से। 40 साल से जी। ये 2 महीने में आप पर कैसी ज़िंदगी आपकी 2 महीने में गुजरी है? ये 2 महीने में मेरी ऐसी ज़िंदगी गुजरी है, 40 साल से जो रिक्शा चला रहा हूँ मैं, और जो है तो आज तक के ऐसा कभी मेरे ऊपर ऐसा आया नहीं टाइम। कौन सा टाइम? अब जो टाइम ख़राब आया मेरे ऊपर। क्या कौन सा टाइम ख़राब आ गया आपको? क्योंकि इस 2 महीने में मैंने ऐसे ऐसे जो है तो मेरे मुश्किल हालात आए हुए, क्योंकि मेरा घर है किराए का, मैं किराए से रहता हूँ, और दूसरी बात मेरे पास ना गाड़ी है ना खुद की ना कुछ है, मैं किराए की गाड़ी चलाता हूँ। फिर आपका जो किराए का घर है और आपकी गाड़ी खुद की नहीं है, किराए की गाड़ी है, तो ये फिर आपकी 2 महीने कैसी ज़िंदगी गुजरी भाई? वो तो बस अल्लाह चलाए बस, क्या समझे, और ना हमारे को किसी से कीटा वीटा आई, कुछ कीट भी नहीं आई, कीट भी नहीं आई, कीट भी नहीं आई हमारे को। फिर ये पूरा रमज़ान का महीना आपका कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है तो उस महीने में जो है तो कुछ बेचारे लोग हैं कि जो है तो खाना ला के देते थे कैरी बैग में, उससे गुजारा किए हम। आपने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े नहीं, मैंने शरफुजी रोज़े भी रखा हूँ, 6 रोज़े। आप रहने के लिए कहाँ पर? रोज़े के अलावा 6 रोज़े रखा हूँ। रहने के लिए कहाँ पर? मैं रहने के लिए रोशन गेट पे हूँ। अच्छा, तो ये आप ये तकलीफें कैसे बर्दाश्त करें आप? बर्दाश्त करना ही है ना भाई ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं मेरे, और जो है तो बीवी है। तो आपने ईद वगैरह मनाई कि नहीं मनाई? नहीं नहीं कुछ भी नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं। ईद कैसी मनाएंगे भाई, वेट में खाने को नहीं मिल रहा हमको, खाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। वो तो अल्लाह का एहसान है, वो मकान मालिक बोला भाई जो है तो अभी जो है तो तुमसे किराया नहीं, लेकिन अभी 4 तारीख जैसी हुई तो वो आ गया बंदा, बोले भाई अब चालू होगा और अब हमारे तरफ देखो, बोले किराए की तरफ, हमने 3 महीने का किराया नहीं दिया उसे। अभी आपने ये ऑटो रिक्शा कितने महीनों के बाद निकाले? मैंने ऑटो रिक्शा निकाला हूँ अभी जो है तो कुछ कम 2.5 महीने के ऊपर होगा, जब से लॉकडाउन चालू हुआ। क्या? जब से आज निकाला हूँ मैंने रिक्शा। तो आज आपने जब निकाले तो कुछ आपको मुसाफिर मिले कि नहीं मिले? मिले ना भाई, सुबह 7 बजे से नंबर पे खड़े हुआ था हूँ मैं जी, तो अब मेरे को जो है तो 30 रुपये का भाड़ा मिला चेलीपुरा। अभी आपकी रिक्शे की बचत कितनी है, आपके जो मालक को बचत देना पड़ा? मेरे रिक्शे की जो है तो मेरी पुरानी रिक्शा है 120 रुपये, रिक्शे के 200 रुपये रहते हैं। शुक्रिया बहुत जी। अब्दुल वाहिद फारूकी, वाहिद कलाम, औरंगाबाद।